नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN News। चौकीदार पर भारतीय राजनीति में तो महायुद्ध मचा ही हुआ है, वहीं सोशल मीडिया पर भी युद्ध शुरू हो चुका है। जी हां, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार कहते हैं और प्रधानमंत्री ने पूरे देश को ही चौकीदार बना दिया। मतलब राहुल गांधी जिन आरोपों के बाण से प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे थे, उसी बाण को पीएम ने जनता की ओर मोड़ दिया और जनता को अपने साथ कर लिया। जी हां, अब कांग्रेस को समझना पड़ रहा है कि वो किस चौकीदार की बात कर रहे हैं, कौन सा चौकीदार उनकी नजरों में ईमानदार है और कौन सा नहीं। अब इसे चूक कहें या बड़ी गलती, लेकिन कांग्रेस जब भी पीएम मोदी को घेरने निकलती है तो पीएम मोदी का पलटवार इनको ना सिर्फ कमजोर कर देता है बल्कि हमला कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित हो जाता है। जिस तरह 2014 में मणिशंकर अय्यर के चाय वाले बयान ने पासा पलट दिया था, ठीक वैसा ही अब हो रहा है। कांग्रेस ने सोचा भी नहीं था कि एक चौकीदार पूरे देश को चौकीदार बना देगा और अब आकर महाभारत मच गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर विपक्ष एकजुटता दिखा रहा है। जी हां, तमाम नेता, चाहे वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव हो, बसपा प्रमुख मायावती या पाटीदार नेता और कांग्रेस में अभी अभी शामिल हुए हार्दिक पटेल हो, ये सब मिलकर पीएम मोदी को घेर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी हैं जो सब पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। बसपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार मुहिम पर तंज कसा। मायावती ने कहा कि वोट पाने के खातिर चाय वाले ने देश को चौकीदार घोषित कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी चौकीदार है और कोई चाय वाला नहीं है। वहीं अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए पूछा है कि जनता के बैंक खाते से चोरी छिपे जो पैसे काटे जा रहे हैं, उससे बचाने के लिए कोई चौकीदार है क्या? बता दें कि पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने ट्विटर पर अपना नाम चौकीदार कर दिया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैं भी चौकीदार कैंपेन शुरुआत की थी। इसके बाद नरेंद्र मोदी समेत केंद्र के तमाम मंत्रियों और बीजेपी के अलावा नेताओं ने अपने ट्विटर के नाम के आगे चौकीदार शब्द जोड़ दिया था। अब कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल ने भी इसका जवाब देते हुए अपने नाम के आगे बेरोजगार लगा लिया है। हार्दिक अपने इस नाम के जरिए बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी राफेल डील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए लगातार चौकीदार चोर है का नारा दे रहे हैं, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री और बीजेपी के तमाम नेताओं ने चौकीदार कैंपेन ही लॉन्च कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एवं तमाम बड़े नेताओं ने अपने नाम के आगे चौकीदार शब्द जोड़ा है। इसके बाद लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते आए हैं। लेकिन अब देखना यह है सोशल मीडिया की इस महाभारत का असर देश में होने वाले चुनाव पर क्या दिखता है। वहीं आपको बता दें, इस बात का तो मानना पड़ेगा कि पीएम मोदी की पीड़ जनता की तह तक है। अब आगे क्या होगा ये तो जनता ही डिसाइड करेगी। दर्शक इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और जो लोग HCN News को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।